हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशन ट्यूशन। एंड आज हम ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपके दिमाग और कान के पर्दे दोनों खुल जाएंगे। आपके दिमाग में एक चीज फिट हो जाएगी, सक्सेस कोई भी हासिल कर सकता है, आप भी। एक बार एक रमेश नाम का लड़का सर्कस घर से गुजर रहा होता तो उसकी नजर अचानक से एक बड़े विशाल हाथी पर पड़ती है जो कि दिखने में ताकतवर लग रहा था, लेकिन वो जो हाथी था वो एक मामूली सी रस्सी से बंधा हुआ था। राकेश ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि कैसे इतना बड़ा हाथी इतना ताकत होने के बावजूद भी एक मामूली रस्सी से बंधा हुआ और भागने की कोशिश नहीं कर रहा। ये चीज राकेश को पछती नहीं और वो ये चीज जानने के लिए सर्कस घर के अंदर चला जाता है। अब राकेश चला तो गया सर्कस के अंदर, राकेश खुद को नहीं पता उसे क्या सीखने वाला है, क्या गिफ्ट मिलने वाला है जिससे उसकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो इसमें अपने आप को अज्यूम करना कि आप राकेश हो और ये आपकी स्टोरी चल रही है, और देखना कि राकेश ने क्या सीखा, यानी आपने क्या सीखा, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। राकेश अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए सर्कस के अंदर चला गया। वहाँ पर जाने बाद वो उस हाथी की देखरेख करने वाले से मिलता है और पूछता है, वो जो हाथी है वो एक मामूली रस्सी से बंधा हुआ है, वो इतनी ताकत होने के बावजूद भी उसे वो तोड़ नहीं रहा, वो चाहे तो उसे एक झटके में तोड़ सकता है लेकिन वो ऐसा कर क्यों नहीं रहा। हाथी की देखरेख करने वाले ने जो बोला उसे सुनने के बाद राकेश पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया कि ऐसा भी हो सकता है। हाथी की देखरेख करने वाले बोला कि बेटा बचपन से यहीं पर है और बचपन से मैं इसे पाल रहा हूँ, क्योंकि जब इसकी माँ ने इसे जन्म दिया तो उसके जन्म देने के साथ ही वो चल बसी और तब से अकेला है और इससे अकेला रहना ही पसंद है। और ये जो नाजुक सी रस्सी तुम्हें लग रही है ये पहले मजबूत थी, अब ये नाजुक दिख रही है, क्योंकि उस टाइम वो रस्सी के हिसाब से वो कमजोर था इसलिए नहीं तोड़ पाता था, और जब ये नहीं तोड़ पाया तो इसने सोच लिया यार अब ये टूटेगी नहीं, तो ये तब से तोड़ने की कोशिश करता ही नहीं और हम इसी से बांधते हैं और ये भागता भी नहीं। राकेश हाथी की देखरेख करने वाले की बात सुनकर पूरी तरह समझ गया जो हाथी था वो क्या फील कर रहा था। राकेश ने जाना कि जो रस्सी थी वो शायद उसे अभी भी उतनी मजबूत समझ रहा था वो जितनी बचपन में थी वो उतनी आज भी होगी। उसके अंतिम प्रयास ना करने की वजह से उस रस्सी को नहीं तोड़ पाया। वो एक चीज भूल गया, वो ये चीज भूल गया कि उसका जो साइज है वो आज कितना बड़ा है, बचपन में कितना, इतनी बचपन में ताकत थी आज कितनी है। वो अपनी एबिलिटी नहीं समझ पाया, अपनी पावर नहीं समझ पाया और एक अंतिम प्रयास नहीं, अगर वो करता तो आज उस रस्सी को तोड़ पाता और वो आजाद होता। सफल बनना हर कोई चाहता, बस प्रयास करना कोई नहीं चाहता। डरता है, वो डरता है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत करने के बाद अगर आप हारते हो तो आप कुछ सीखते हो, वो सीख ही आपका असली हथियार है सक्सेसफुल होने का। सीख ही आपको बताती है कि आपने कहां गलती की थी और वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी। नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज़ लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आपको इस स्टोरी से क्या सीखने मिला और आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।